स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन इन टू थाउजेंड फोर टू मार्क्स कंसिडर दोसेंग अबाउट दर्न अराउंड टाइम फॉर दिस प्रोसेस यूजिंग प्रियम टिव एसजेन्स एसआर शोटेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट या एसजेए प्रियम टिव या एस आर पी टी एंड एस जे आर एफ दीज एर देशम्स Shortest remaining time first, shortest job first, trip preemptive, or yeah, shortest remaining processing time, or yeah, shortest job remaining first. So we just apply the SRTF and count the average turnaround time. Getting the point? So what is the concept of SRTF? It is similar as SJF with preemption. Getting the point? How we do this? It's uh, not a pattern technique. It's my technique which I follow. वी मे के वन रेडी क्यू एंड वी मे के वन बॉक्स वट विल हैपन इसको मैं समझाने से पहले आपको एक नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपकी इसको कैसे चलाएंगे आपकी क्लास में चार बच्चे हैं एक की परसेंटेज सत्तर परसेंट एक की साठ है एक की, की, की अस्सी और एक की नब्बे है तो अभी अप, ओ, जिसकी अपट इज़ नॉट फिक्स बट वी आर एज्यूमिंग जिसकी परसेंटेज साठ परसेंट है उसको ज़्यादा समय लगेगा किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में एज कम्पेयर टू सेवेंटी परसेंट एट्टी परसेंट और नाइन्टी परसेंट दैट इज़ नॉट ट्रू बट आई एम टेकिंग लेटेस्ट टेकिंग एग्जाम्पल और जिसकी 80% परसेंट है उसको ज़्यादा समय लगेगा इस कंपेयर टू 90%. परसेंट बट वॉट विल हैपन सबसे पहले 60% परसेंट वाला आता है तो देर इज ओनली वन कैंडिडेट तो मैं कब तक उससे पूछूंगा जब तक कि उससे कम समय में बताने वाला नहीं आ जाता इधर सत्तर अस्सी और नब्बे फिर मेरे पास नब्बे परसेंट वाला आता है तो मैं किससे पूछूंगा? साठ या नब्बे में से नब्बे वाले से और फिर मेरे पास अस्सी परसेंट वाला आ जाएगा तो मैं किससे पूछूंगा अस्सी परसेंटेज वाले से सेम थिंग फोलो फर्स्ट ऑफ ऑल एट द टाइम ऑफ जीरो वी हैव ओनली पी वन पी वन हैज द लार्ज एग्जीक्यूशन टाइम सो वी फर्स्ट एग्जीक्यूट पी वन टिल जब तक कि नेक्स्ट ना आ जाए क्या फॉलो करना है जो भी अवेलेबल है उसको चलाएंगे कब तक जब तक कि नेक्स्ट ना आ जाए तो जीरो से वन तक पी वन चल गया हाउ मच इज रिमेनिंग पी वन फोर एंड पी टू इज थ्री नाउ विच वन इज शॉर्टेस्ट डेट्स वाइट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट या शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग फर्स्ट इन दोनों में छोटा कौन है पी टू देन पी टू को चलाएंगे जब तक कि नेक्स्ट नहीं आ जाता वन से टू इट रिमेन टू एंड पी थ्री हैव टाइम थ्री विच वन इज मिनिमम पी वन रिक्वायर्ड फोर पी टू रिक्वायर्ड टू पी थ्री रिक्वायर थ्री देन पी टू इज मिनिमम टू टू थ्री एंड टू टू फोर ऑल्सो वाई बिकॉज नेक्स्ट प्रोसेस कम्स एट फोर सो ही फिनिश हिर एंड पी फोर कम विद एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ वन विच वन इज मिनिमम पी फोर फोर टू फाइव फिनिश देन पी थ्री फाइव टू एट देन पी वन ए टू ट्वेल्व क्लियर है नाउ वी कैलकुलेट द फर्स्ट कंप्लीशन टाइम वॉट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीशन टाइम द कंप्लीशन टाइम इज ए टाइम वेयर द प्रोसेस कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन पी वन कंप्लीट एट ट्वेल्व पी टू कंप्लीट एट फोर पी थ्री कंप्लीट एट एट और पी फोर कंप्लीट एट फाइव Then turnaround time, turnaround time is nothing, completion time minus arrival time. What is the arrival time? 12 minus 0, 12, 4 minus 1, 3, 8 minus 2, 6, 5 minus 1, 4, 1. Then it is 15, 16, that is the sum of 22. Then what is the average turnaround time? 22 divided by 4, that is nothing, 5.5. So, the answer is 5.5. Clear? Hai? Here you can see. First, we execute p1 0 to 1, then p2, again, we execute p2, then p4, then p3, then p1. So, the completion time is turnaround time is 12, 4, sorry, 12, 3, 6, and 1. When we add this, that is 22 by 4. 5.5. Getting my point? Thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel, and press the bell icon for the latest updates. Thank you.